द इंडियन इन्फोमेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया। नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे जबकि बीजेपी शासन था उत्तर प्रदेश में और उसकी कमान संभाल रहे थे कल्याण सिंह। 7 दिसंबर 1992 यानी बाबरी मस्जिद ढहने के अगले दिन नरसिम्हा राव ने जो है वो संसद में भाषण दिया। उनके भाषण में जो है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपनी बुक अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में लिखी है। नरसिम्हा राव के इस भाषण में सफाई है, शिकायत है और एक वादा है। वो वादा जो उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया था। नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में लिखा कि हमने मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना दी थी कि अयोध्या में जो है हालात को देखते हुए जो पुलिस बल है वो पर्याप्त नहीं है। 1992 में केंद्र सरकार ने जो है वो इस कमी की तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा और 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को इस चीज़ की हिदायत दी कि अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो तैनात किया जाए और अयोध्या के बाहर जो है वो भी पुलिस बल तैनात हुए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो कम से कम समय में जो है पुलिस बल अयोध्या जा सके और वहाँ के हालातों को काबू पा सके। नरसिम्हा राव ने जो है अपनी किताब में उसके बाद शिकायत लिखी। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि जो उस वक़्त सरकार थी, उस वक़्त जो राज्य सरकार थी, उसने हमसे मांग की कि ये जो भारी पुलिस बल जो है उसको वापस बुला लिया जाए, सिर्फ उसको जो है बम निरोधक दस्ते की ज़रूरत है। राज्य सरकार के इस अड़ियल रवैये के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार ने जो है पुलिस बल जो बल को तैनात किया गया था, अल्पसैनिक बल को तैनात किया गया था अयोध्या के आसपास, उनको वापस नहीं बुलाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव ने जो है वो पूरे घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से जो ये पूरा जो घटनाक्रम जो था ये हुआ। बताया गया कि सुबह जो प्रारंभिक सूचना ये थी, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि अयोध्या में जो हालात हैं वो सामान्य हैं, जो हालात हैं वो बिल्कुल भी बिगड़े नहीं हैं। 75,000 लोग जो हैं वो वहाँ पर कार सेवक जमा थे लेकिन शांतिपूर्ण माहौल था। उसके बाद देखते ही देखते जो है वो माहौल बिगड़ने लगा और देखते ही देखते जो है लोग जो हैं वो बाबरी मस्जिद की गुम्बद पर चढ़ गए। उसके साथ साथ जो है बाबरी मस्जिद के परिसर में कम से कम 25,000 लोग जो थे वो जमा हो गए। उसके अलावा हज़ारों लोग जो थे वो बाहर थे और देखते ही देखते शाम तक जो है उन्होंने बाबरी मस्जिद को जो है वो ढा दिया, उन्होंने बाबरी मस्जिद को जो है वो गिरा दिया। उसके बाद अपनी किताब में नरसिम्हा राव ने जो है इस पूरी घटना के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि कई बलिदानों के बाद स्वतंत्रता हासिल करने वाला देश इस क्रूर घटना का साथी बना। हमारे प्राचीन देश में सदियों से अनेक मत और समुदाय रहे हैं। उसके बाद नरसिम्हा राव ने एक वादा किया। नरसिम्हा राव ने वादा किया कि मेरी सरकार जो है ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी होगी और जो लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, जो भड़काने वाले लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद को गिराना जो है एक बर्बर कार्य था और हमारी सरकार जो है मस्जिद का पुनः निर्माण कराएगी। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप Twitter या Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। फिर किसी और न्यूज़ के साथ होंगे हम आपके साथ मौजूद। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।